गिरना भी अच्छा है, औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को, अपनों का पता चलता है। जिन्हें गुस्सा आता है वो लोग सच्चे होते हैं। मैंने झूठों को अक्सर मुस्कुराते हुए देखा है। सीख रहा हूं मैं अब भी इंसान को पढ़ने का हुनर। सुना है चेहरे पर किताबों से ज्यादा लिखा होता है। दोस्तों, विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान को बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दोस्तों, उम्मीदें तैरती रहती हैं, कश्तियां डूब जाती है, कुछ घर सलामत रहते हैं, आंधियां जब भी आती है बचा ले जो हर तूफान से, उसे आस कहते हैं। बड़ा मजबूत है ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं। बुद्ध एक गांव में गए थे। एक अंधे आदमी को कुछ लोग उनके पास लाए और उन मित्रों ने कहा कि यह आदमी अंधा है और हम इसके परम मित्र हैं और हम इसे सब भांति समझाने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश है, लेकिन ये मानने को राजी नहीं होता और इसकी दलीलें ऐसी हैं कि हम हार जाते हैं और हम जानते हैं कि प्रकाश है, हमें देखते हुए हारना पड़ता है। यह आदमी हमसे कहता है, मैं प्रकाश को छूकर देखना चाहता हूं, अब हम प्रकाश को स्पर्श कैसे करवाएं। यह आदमी कहता है, छोड़ो, स्पर्श ना हो सके तो कोई बात नहीं, मैं सुनकर देखना चाहता हूं, मेरे पास कान है, तुम प्रकाश में आवाज करो, मैं सुन लूं। छोड़ो, यह भी ना हो सके तो मैं स्वाद लेकर देख लूं, या प्रकाश में कोई गंध हो तो गंध लेकर देख लूं, कोई उपाय नहीं है। प्रकाश तो आंख से देखा जा सकता है और आंख इसके पास नहीं है। और ये आदमी ये कहता है, तुम फिजूल ही मुझे अंधा सिद्ध करने को प्रकाश की बातें करते हो, तुम भी अंधे मालूम होते हो, प्रकाश की इजाद तुमने मुझे अंधा बताने के लिए तय कर ली है, तो हमने सोचा आप इस गांव में आए हैं, शायद आप इसको कुछ समझा सके। बुद्ध ने कहा, मैं इसे समझाने के पागलपन में नहीं पड़ूंगा। आदमी की आज तक मुसीबत ही उन लोगों ने की है जिन लोगों ने आदमी को ऐसी बातें समझाने की कोशिश की जो उनको दिखाई नहीं पड़ती। मनुष्य के ऊपर उपदेशक बड़ी महामारी सिद्ध हुआ है, वह ऐसी बातें समझाता है जो उसको दिखाई नहीं पड़ती। तो बुद्ध ने कहा कि मैं ये गलती करने वाला नहीं हूं और मैं ये समझाने वाला भी नहीं हूं कि प्रकाश है। मैं तो इतना कह सकता हूं कि इस आदमी को तुम गलत जगह ले आए हो, मेरे पास लाने की जरूरत ना थी, किसी वैद्य के पास ले जाओ जो इसकी आंख का इलाज कर सके, इसे उपदेश की नहीं उपचार की जरूरत है। तुम्हारे समझने का सवाल नहीं, तुम्हारे समझाई गई बात पर विश्वास करने का सवाल नहीं, इसकी आंख ठीक होनी चाहिए और आंख ठीक हो जाए तो तुम्हें समझने की जरूरत ना पड़ेगी, ये खुद ही देख सकेगा, खुद ही जान सकेगा, उनको बात ठीक जची। बुद्ध ने कहा कि मैं तो धर्म को उपदेश नहीं मानता हूं, उपचार मानता हूं, तो इसे ले जाओ। वह उस अंधे को ले गए और भाग्य की बात थी कि वह अंधा कुछ महीनों के इलाज से ठीक हो गया। बुद्ध तो दूसरे गांव चले गए थे। वह अंधा आदमी ठीक हो गया। वह बुद्ध के चरण छूने गया और उसने उन्हें प्रणाम किया और उसने कहा कि महाराज, मैं गलत था, मुझे बहुत बड़ी भ्रांति हुई थी, प्रकाश तो था लेकिन मेरे पास आंख नहीं थी। लेकिन बुद्ध ने कहा, तू गलती में जरूर था लेकिन तूने जिद की कि जब तक आंख ना होगी तब तक मैं मानने को राजी ना होऊंगा, तो तेरी आंख का इलाज भी हो सका। अगर तू मान लेता उन मित्रों की बात कि तुम कहते हो तो ठीक है, तो बात वहीं खत्म हो जाती, आंख के इलाज का सवाल भी नहीं उठता। जो लोग विश्वास कर लेते हैं वे विवेक तक नहीं पहुंच पाते, जो लोग चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं वे स्वयं के अनुभव तक नहीं पहुंच पाते। जो अंधे हैं और पकड़ लेते हैं कि दूसरे कहते हैं प्रकाश है तो जरूर होगा, फिर उनकी यात्रा वहीं बंद हो जाती है। यात्रा तो तब होती है जब बेचैनी बनी रहे, बेचैनी छूटे नहीं, और बेचैनी तभी होती है जब मुझे लगता है कि कोई चीज है, लोग कहते हैं लेकिन मुझे दिखाई नहीं पड़ती, तो मैं कैसे मान लूं, मैं ही देखूं तो मानूं, या बेचैनी मन में हो कि मेरे पास आंख हो तो मैं स्वीकार करूं। दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? रिश्ते और विश्वास दोनों ही दोस्त हैं। रिश्ता रखो या ना रखो पर विश्वास जरूर रखना, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां रिश्ते अपने आप पनप जाते हैं। दोस्तों, किसी पर शक करके बर्बाद होने से अच्छा है किसी पर यकीन करके बर्बाद हो जाओ। दोस्तों, यदि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।